मम्मीज, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेबी को आप ओवरनाइट कैसे सुला सकते हैं। मैं कुछ टिप्स आपको दूंगी जिससे आपका जो बेबी है वो ओवरनाइट सो सकेगा। इससे आपकी भी नींद पूरी हो जाएगी और बच्चे की जो नींद है वो आराम से पूरी हो जाएगी। लेकिन जो टिप्स मैं आपको दूंगी वो एक महीने तक की बेबी में बिल्कुल भी लागू नहीं होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में बेबी को अपनी बॉडी को या फिर बाहर के जो एटमोसफेयर है उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए एक महीने के बाद के जो बच्चे हैं वही जो है वो ओवरनाइट सो सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बच्चे की एज के आधार पर उन्हें दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला वो जो 1 से 7 मंथ तक के बीच में है और नेक्स्ट वो जो 7 मंथ टू अबव के बेबी है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे 1 to 7 मंथ का जो बेबी है उसके बारे में। इसके बारे में कुछ आपको पॉइंट्स मैं आपको ऐसे दूंगी जिससे आपका बेबी ओवरनाइट सो सकेगा, जिसमें पहला आपका पॉइंट है बच्चे के पेट की गैस हटाना। क्योंकि स्टार्टिंग में बेबी को बच्चे के पेट में जो गैस है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे बच्चे को सोने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, बच्चे के पेट में दर्द रहता है या फिर कुछ और प्रॉब्लम बच्चे को हो सकती है। तो आपको क्या करना है, बच्चे के पेट की जो गैस है वो निकालनी है उसके सोने से पहले। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली बेबी को ऐसे आपको लेटाना है। लेटाने के बाद में बेबी के जो पैर हैं वो आपको उसके हेड को टच करवाने हैं, या फिर आप बेबी के पैर में साइकिलिंग कर सकते हैं, फिर पेट की मसाज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि बेबी की जो पेट की गैस है वो आराम से निकल जाएगी। या फिर आप बच्चे के पेट पे हींग का लेप भी कर सकते हैं, नाभि पे केवल आपको हींग के पेस्ट जो होता है उसका लेप करना है। इससे बच्चे के पेट की गैस जब निकल जाएगी तो बच्चे को आप पोटी करा सकते हैं। उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है वो आपका ये है कि बच्चे का सोने से पहले का जो दूध होता है, जो हम अक्सर क्या करते हैं कि बेबी को ब्रेस्ट फीड कराते हैं उसे सुला देते हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना। आपको क्या करना है, बेबी को सोने से पहले का जो दूध है वो आपको बोतल से देना है। इससे फायदा क्या होता है, देखिए बेबी अक्सर क्या करते हैं कि आधे से पौन घंटे तक फीड वो लेते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि बेबी फीड लेते लेते सो जाता है, जिससे बच्चा भूखा सो जाता है। या फिर क्या होता है कि रात को अक्सर मिल्क सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, जिससे बच्चे का पेट नहीं भर पाता, तो इससे भी चांसेस है कि बच्चा भूखा सो जाए। बच्चे को जब आप बोतल से दूध देते हैं तो इससे क्या होता है, बच्चा 3 से 4 मिनट में अपना पेट भर लेता है, अब बच्चा भूखा भी नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप बच्चे को ऊपर का दूध दीजिए, आप बच्चे को अपना ब्रेस्ट मिल्क भी दे सकते हैं, उसे स्टोर करके रख सकते हैं, या फिर आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं। तो ये चीजें आप बच्चे को दे देंगे इस तरह से, तो बच्चे का जो पेट है वो आराम से भरा रहेगा। इसके बाद में बेबी के जो ज्यादा टाइम तक सोने के चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक बार बोतल से दूध पीने के बाद बच्चा 4 से 5 घंटे तक यूजुअली आराम से सो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी बेबी की मालिश। आपको पता है कि बेबी की जो मालिश होती है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है, साथ ही इससे बेबी जो थक भी जाता है। जब बच्चा थकेगा तो सिंपल सी बात है, बच्चे को एक गहरी नींद आएगी। गहरी नींद आएगी तो इसका मतलब बच्चे को 3 से 4 घंटे या फिर 4 से 5 घंटे ही बच्चा आराम से सो सकता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, 4 से 5 घंटे तो हमने रात के बच्चे को इस तरह से हम सुला देंगे। अब जो नेक्स्ट के 2 से 3 घंटे बचेंगे तो इसमें क्या होगा कि बेबी 1 से 2 बार बीच में उठेगा, तो उठने के बाद में आपको बेबी से बात बिल्कुल भी नहीं करनी है। बेबी को सीधा आप बच्चे से अपने दूध से लगाइए, उसे दूध पिलाइए और उसे सुला दीजिए। तो इस तरह से जब बच्चे से आप बात नहीं करेंगे, सीधा उसे दूध पिला के सुला देंगे, तो इससे बेबी आराम से दोबारा सो जाएगा। लेकिन यदि आप बात कर लेते हैं तो बेबी की जो नींद है वो गायब हो जाएगी, और यदि नींद उसके गायब होगी तो 2 से 2.5 घंटे के बाद तक वो बिल्कुल भी नहीं सोने वाला है। तो इसलिए आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिए। इसके साथ ही बेबी जिस भी रूम में सो रहा है वहाँ पे वातावरण उस टाइम शांत होना चाहिए, वहाँ पे डिम लाइट होनी चाहिए और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल ही होना चाहिए। साथ ही बच्चे को आपको कंफर्टेबल कपड़े पहनाने हैं उसके मौसम के हिसाब से, ताकि बच्चा इजीली आराम से सो पाए एक लंबे टाइम तक। तो ये तो हो गए आपके 1 to 7 मंथ का बेबी है यदि तो, और यदि 7 मंथ से अबव है बेबी तो आपको क्या करना है। देखिए 7 मंथ का बेबी यदि है, 7 मंथ से ऊपर हो गया, तो इसका मतलब है कि बेबी सॉलिड जो है 2 टाइम तक एटलीस्ट लेने लग गया होगा, यानी कि सुबह और शाम में वो सॉलिड लेता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है, यदि बच्चा सॉलिड पे आ गया है तो बच्चा ओवरनाइट उसे आप आराम से सुला सकते हैं 7 से 8 घंटे तक। तो आपको करना क्या है, बेबी का जो आप डिनर देंगे, डिनर में जो आप बच्चे को सॉलिड देने वाले हैं उसे आपका थोड़ा सा टाइम चेंज करना है। अक्सर हम क्या करते हैं, बेबी को हमने सॉलिड खिलाया, उसके 1 घंटे बाद उसे दूध पिलाया और फिर उसे सुला दिया। लेकिन आपको पता है कि दूध से भूख जल्दी लग जाती है, लेकिन सॉलिड यदि बच्चे ने खाया है तो जल्दी उसे भूख नहीं लगने वाली। तो आपको क्या करना है,
कि बेबी जब भी सोए उससे जस्ट आधा घंटा पहले आपको बच्चे को सोलिड देना है। इससे क्या होगा कि बच्चे का पेट भरा रहेगा तो बच्चा ज्यादा टाइम तक सो पाएगा। और बच्चे को आधे घंटे तक जगा के रखना है, क्योंकि क्या होता है कि आपने खुद को भी देखा होगा कि यदि आपने खाना खाया है तो उसके 15 से 20 मिनट बाद में आपको प्यास लगना स्टार्ट हो जाती है। तो सेम कंडीशन बच्चे पे लागू होती है, यदि बच्चा आधे घंटे तक जगा रहेगा तो आराम से वो पानी भी पी लेगा। बच्चा ना तो भूखा है ना बच्चा प्यासा क्योंकि उसने पानी भी पी लिया है, तो इससे बच्चा लंबे टाइम तक सो पाएगा। साथ ही आपको क्या करना है कि बच्चे को आपको शाम को बच्चे के साथ काफी सारी एक्टिविटीज करनी है जिससे बच्चे खेले कूदे मस्ती करे और वो थक जाए। यदि बच्चा थक जाएगा इस तरीके से तो आप बच्चे को जल्दी सुला सकते हैं और साथ में बच्चा एक लंबे टाइम तक भी सो सकता है। इसके साथ ही 7th month का बेबी यदि हो गया है तो आप उसे शाम को भी मालिश करने के बाद नहला सकते हैं, क्योंकि नहलाने के बाद में बेबी को बहुत अच्छी एक नींद आती है। लेकिन यदि आप समर में कर रहे हैं ऐसा तो ही ठीक है, यदि विंटर का सीजन चल रहा है तो आप बच्चे को बिल्कुल भी ना नहलाएं शाम को, इससे बच्चे बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही आपको क्या करना है, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, जिस रूम में बच्चा सो रहा है वहाँ का वातावरण जो है वो शांत होना चाहिए। साथ में वहाँ पे एक लाइट होनी चाहिए जो बिल्कुल डिम लाइट हो, जिससे ना अंधेरा ना बिल्कुल ज़्यादा उजाला हो रहा। साथ में बच्चे को कंफर्टेबल आपको कपड़े पहनाने हैं। यदि इन सब तरीकों का आप फॉलो करते हैं तो आपका जो बेबी है वो ओवरनाइट आराम से सो पाएगा और आप भी बिल्कुल ही परेशान नहीं होंगे। वीडियो पसंद आई है, नॉलेजेबल लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।